सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नाइन्थ क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 31। ए बी रेखा पर प्रकार द्वारा 75 डिग्री का कोण बनाओ। तो सबसे पहले हमने ए बी रेखा लेनी है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी दी हुई रेखा है ए और ये पॉइंट हमारा है बी। तो ए बी रेखा पे हमने 75 डिग्री का कोण बनाना है। 75 डिग्री के कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमने बनाना है 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का कोण आपने कल भी बनाया था जब हमने 45 डिग्री का कोण बनाया था। इस तरह से हम एक चाप लगा देंगे, इस चाप का नाम हम दे देते हैं डी और यहाँ से हम एक डी पॉइंट से चाप लगाएंगे। ये जो पहली चाप लगेगी आपकी इसका नाम हम दे देते हैं ई और ये चाप होती है 60 डिग्री की। फिर हम दूसरी चाप लगाएंगे ई पॉइंट से, ये जो चाप होती है ये होती है हमारी 120 डिग्री की और इसका नाम मैं दे देता हूँ एफ। एफ नाम दे दिया है। आपने क्या करना है, ई पर प्रकार करके एक चाप ऊपर को लगा देंगे इस तरह से डॉटेड और एफ पॉइंट पर प्रकार करके इस चाप को हम काट देंगे, ऐसे काट देंगे। अब हमने इसको डॉटेड मिला देना है। इस तरह से हम इसको बिंदुदार रेखा से मिला देंगे। अब हमने 75 का कोण बनाना है तो हमने ये जो आपकी रेखा आ रही है इस पर हम नाम यहाँ दे सकते हैं क्योंकि यहाँ से हमने अभी पॉइंट भी लगाना है, इसका नाम मैं दे देता हूँ एस। अब हमने क्या करना है, एक चाप हमने लगानी है ई से, ये चाप लगा दी और जो एस पॉइंट है यहाँ पर काट करके हमने इस चाप को काट देना है इस तरह से। और ये जो आपका पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है इसका नाम मैं दे देता हूँ सी और हमने जो है वो सी और ए को आपस में मिला देना है। ये आपका बन रहा है 75 डिग्री का कोण और ये रेखा बिल्कुल डार्क आएगी, गाढ़ी आएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं ये लाइन बिल्कुल हमारी गाढ़ी है, ये आपकी आंसर रेखा है। इसमें अगला हमारा है प्रश्न नंबर 32। ए बी रेखा पर प्रकार द्वारा 67 डिग्री का कोण बनाओ। 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री का कोण हमने ए बी पर बनाना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ए बी रेखा ले लेते हैं जो हमें दिया गया है, ये दी हुई रेखा है तो ये हल्की रहेगी। ये हमारे दो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी। वो हमने क्या करना है, सबसे पहले 67.5 डिग्री का एंगल है तो हमने सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाना है इसमें भी, फिर हम 75 डिग्री का कोण बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था, इसका नाम मैं दे देता हूँ डी। यहाँ से एक चाप लगा देता हूँ, इसका चाप का नाम दे देते हैं ई। अगली चाप हमारी लगेगी उसका नाम हम आगे दे देंगे, इसका नाम दे देते हैं एफ। हमने ई और एफ से दो चापें लगानी हैं जो आपस में कटेगी, जहां ये कटेगी यहां नाम दे देते हैं जी और हम जी को ए से मिला देंगे बिल्कुल डॉटेड लाइनों में। अब हमने 75 डिग्री का कोण बनाना है तो आपकी दोबारा से दोहराई भी हो रही है 75 डिग्री के कोण के लिए, यहाँ से हम ये चाप 60 डिग्री वाले से आगे लगा देंगे और यहाँ पे हम एक पॉइंट भी दे सकते हैं इसका, इस रेखा का, क्योंकि ये हमारे कार्य में यूज हो रही है, इसका नाम हम दे देते हैं टी। तो हम दूसरा पॉइंट टी से जो है ऊपर कार खोल के काट देंगे। अब ये जहाँ पे चाप पे कट रही है इसका नाम हम दे देते हैं एच। ये आपका दोबारा से फिर 75 डिग्री का कोण बन गया है, पर जब हमने पहले बनाया था तो वो डार्क लाइन थी, अब ये हमारी डॉटेड लाइन है, ये सहायक रेखाएं हैं, ये हमारी सहायक रेखा है। यहाँ पे ये जहाँ पे कट रही है ये पहले वाली चाप को, इसका नाम दे देते हैं एस। ये हमारी हेल्प करेगी जो है वो 67.5 डिग्री के एंगल को बनाने में।
इस तरह से आप चाप लगा देंगे, इस चाप को आप काट देंगे इस तरह से। ये जहाँ पे कट रही है बारीक पॉइंट है, यहाँ पे कट रही है, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं सी, और हमने सी को ए से मिला देना है और हम इसको डार्क मिलाएंगे। ये जो आपकी रेखा आएगी ये आपकी डार्क रेखा आएगी, मोटी रेखा आएगी इस तरह से, और ये हमारा जो कोण बनेगा ये बनेगा 67.5 डिग्री का। ये हमारा बन के तैयार हो गया है। प्रश्न नंबर ये है 32। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 33। दी हुई रेखा पर प्रकार द्वारा 105 डिग्री का कोण बनाओ। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम दी हुई रेखा ले लेते हैं, इस रेखा का नाम हम दे देते हैं ए बी, और इसको थोड़ा हम इधर को ए की साइड को डॉटेड भी आगे बढ़ा देते हैं, एडवांस में बढ़ा देते हैं। ये हमारा है ए, ये पॉइंट हमारा है बी। हमने क्या करना है, यहाँ पे एक अर्धवृत्त लगा देते हैं ए पॉइंट। ये हमारा अर्धवृत्त है। आपको आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, आपका जो अर्धवृत्त होता है वो होता है 180 डिग्री का। आपकी जो पैरेलल लाइन होती है ये सीधी लाइन है, ये 180 डिग्री की होती है। इस पे हम नाम दे देते हैं डी और ई। हमने क्या करना है, पहले यहाँ से चाप लगानी है, जितना प्रकार हमारा है उतनी प्रकार खोल के, ये आप देख सकते हैं, एक चाप हम आगे लगा देंगे। इन चापों के हम नाम दे देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं ई, इसका नाम हम दे देते हैं एफ। ये लाइन थोड़ी मोटी सी लग गई है, ये हमें डॉटेड ही चाहिए, तो हम इसको दोबारा से सही करके लगा देते हैं, देखिए। और हम इसको आगे भी बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है, तभी हमारा जो कोण है वो 105 डिग्री का बनेगा। ये देख लिए, ये देख सकते हैं आप, और अब हमने इसको डॉटेड मिला देना है। इस चाप का हम यहाँ जहाँ दोनों चाप कट रही हैं हम नाम दे देते हैं H। हमने H पॉइंट को A के साथ मिलाना है। यदि आप साथ साथ पॉइंट लिखते रहेंगे तो आपको सुविधा रहेगी, इसलिए आपने पॉइंट साथ साथ लिखने हैं। जहाँ पे ये चाप के साथ लाइन कट रही है यहाँ पॉइंट का नाम हम दे देते हैं S। अब हमने क्या करना है, S पॉइंट पर प्रकारक करके आगे ऐसे चाप लगा देनी है, और एक चाप हम F पॉइंट पर रख करके आगे लगा देंगे, जहाँ पर ये कट रहा है, जिस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं सी, और सी को हमने ए के साथ मिला देना है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपका कोण बन गया है 105 डिग्री का यहां से। अब आप चाह रहे होगे कि सर ने ये यहां तक क्यों लगाया, ये मैंने इसलिए लगाया, और मैंने पहले ही कहा था कि ये अर्धवृत्त आपका 180 डिग्री का होता है, तो यहाँ से नीचे जो हमारा बच गया है ये हमारा बचा है 75 डिग्री का, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका अर्धवृत्त जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। यदि आप इसमें 75 को और 105 को जोड़ देंगे तो इसका जोड़ आएगा 180 डिग्री, तो यहाँ से नीचे इधर को ये 105 का है और इधर को ये 75 डिग्री का आपका बन गया है। प्रश्न नंबर 33।